Hi students, this is KD sir from CO Education. Today we are going to do chapter number 3 in maths for class 10, right? That is pair of linear equations in two variables. अगर आपको याद है तो हमने इसके पहले के चैप्टर में ax plus b ऐसा कुछ किया था, याद है? और इसे क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, राइट सर? यहां ये जो है ये है वेरिएबल, ये है कोएफिशिएंट और ये है कांस्टेंट, याद आ गया आपको? राइट, दिस इज ए एक्स प्लस बी, दैट इज वे कोएफिशिएंट, वेरिएबल और कांस्टेंट, राइट? अब यहां वन वेरिएबल दिया है, therefore it is linear equation in one variable, but our chapter is about two variables. तो क्या होगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म? ax plus by plus c is equal to zero. That is one variable and two variable. Okay, ये है इसका coefficient और ये इसका coefficient और ये है constant. That ax plus by plus c is equal to zero is the standard form of linear equation in two variables. Okay, कभी आपको MCQ या तो one mark में पूछ सकते हैं. तो ax plus by plus c is equal to zero. अब ये जब है ये ax plus by plus c कोई भी number दिया हो, suppose 3x plus 4y plus 5 is equal to zero, right? ये जब आपको एक लीनियर इक्वेशन देते हैं तो लीनियर इक्वेशन का हमेशा जो ग्राफ होगा वो कोई भी स्ट्रेट लाइन ही होगा, राइट? लीनियर इक्वेशन ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा. और इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट? 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो. कोई भी एक को सब्जेक्ट बनाओ, सपोज हमने 3x को बनाया तो दिस विल बिकम माइनस 5 माइनस 4y, राइट? ये हो गया, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस माइनस 4y अपॉन 3. ये आपका फॉर्मूला टेबल बनाने का. और अब ये जो टेबल है ये ऐसा बनेगा 1 2 3 4, कोई भी चार, मिनिमम 4 जो है x और ये y, राइट? मिनिमम 3 या 4 या तो 5 लोगे तो अच्छा रहेगा, सो देट आपको क्या है डेटा अगर आपको ड्रॉ करना है इजी रहेगा. ओके, तो ये देखिए अभी x और y है, यहां पे जो y है राइट साइड में जो भी डेटा लिया हो, अब y को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, तो राइट साइड में जो भी आपने लिया है वो इनपुट आप करोगे और x का आंसर आएगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर इसको जीरो किया है तो ये आएगा माइनस फाइव अपॉन 3, राइट? अगर मैं x इजल y इजल टू 1 करता हूं तो माइनस 4, राइट? माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9 अपॉन 3 मतलब माइनस 3. ओके, ये अगर मैं 2 करता हूं, माइनस 4 टू 8, 8 प्लस 5 कितना है माइनस 13 अपॉन 3, ये हुआ 2. और अगर हम माइनस 1 करते हैं सपोज, तो ये माइनस 1 हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 4 और माइनस 5 दैट इज माइनस 1 अपॉन 3, राइट? दिस इज माइनस 1. और ये चीज अगर आप ग्राफ में बताएंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन आएगा. ओके, तो दिस इज व्हाट इट हैपेंस. नाउ ये बात तो ठीक है, अगर मैं अगर यही को इसी को अगर दो इक्वेशन दू तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लेकिन टू इक्वेशन, राइट? फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए ये वन एक्स बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो. इस तरह का अभी देखिए दो लाइन है, ये दो लाइन जो है इसका भी इसी तरह आपको अलग अलग ही करना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. जैसे आपने ये किया है वैसे ही दूसरे लाइन के लिए करना है, बरोबर? सब्जेक्ट बनाओ, एक का इनपुट आप डालो और एक का आंसर आपका आएगा, ये होने वाला. अब ये जो किया है इसको आप अगर देखेंगे तो देर आर थ्री पॉसिबिलिटीज. वन, आइदर दे विल इंटरसेक्ट, ओके, आइदर दे विल बी पैरेलल और आइदर दे विल कोइंसाइड. कोइंसाइड मतलब उसके ऊपर एक के ऊपर एक, दैट इज कॉल्ड कोइंसाइड का मतलब है एक के ऊपर एक, राइट? दैट इज कॉल्ड कोइंसाइड. तो दिस आर द थ्री चांसेस,
बाकी कोई चांस नहीं है. ओके, सो दिस इज हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग. अब ये टू इसको ये जो टू वेरिएबल्स जो बोलते हैं, ये जो ग्राफ में है, एक्चुअली दिस इज टू डायमेंशन. थ्री वेरिएबल के भी आएंगे जैसे जैसे आप स्टैंडर्ड बढ़ते जाएगा, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड प्लस डी, ऐसा करके थ्री डायमेंशन वाला होगा. जो आप लोग 3D मूवी देखते हैं ना, वो वाला डायमेंशन. अभी हम खाली टू डायमेंशन मतलब ए वन एक्स प्लस बी वन वाई दैट इज टू वेरिएबल वाला कर रहे हैं. राइट, लेट्स गो टू द एक्सरसाइज 3.1. सो ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3.1. क्वेश्चन नंबर 1. आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपने डॉटर को कहता है, 7 years ago, राइट, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वेर देन. यहां तक देखते हैं, राइट. पहले 7 years अगो मतलब माइनस, आफ्टर मतलब प्लस. तो पहले हमको क्या लिखना है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज एक्स, राइट, एंड एक्स ईयर्स. द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर इज वाई ईयर्स. ओके, तो ये एक्स, ये है वाई, ये आपको लिख लेना है. अब क्या करना है, हमको ये कंपेयर करना है. सेवन ईयर्स अगो मतलब 7 years अगो अगर आप लिखते हैं, आफ्ताब का एज कितना होगा, एक्स माइनस सेवन, और डॉटर का y माइनस सेवन, ये वाला लिख दो. तो क्या होगा, इजी, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे. अब आगे पढ़ते हैं. आई वॉज 7 times, आई कौन है, इधर आफ्ताब है. आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू, तो x माइनस सेवन इज इक्वल टू 7 times y माइनस सेवन. इसको सॉल्व करिए, x माइनस सेवन 7y माइनस 49, x माइनस 7y, राइट, माइनस 7y, और ये हो जाएगा माइनस 49 प्लस 7, कितना हो जाएगा, x माइनस 7y इज इक्वल टू 49 में से 7 गया तो 42, दैट इज माइनस 42. इक्वेशन नंबर 1 पहला वाला आ गया, राइट. आगे देखते हैं इक्वेशन नंबर 2. आफ्टर क्या लिखा था, आफ्टर 3 years, पहले यहां लिख दीजिए आफ्टर 3 years, राइट. आफ्टर 3 years क्या करना है, अभी हमको आफ्टर 3 years में अगर आप देखेंगे तो आफ्ताब का होगा x प्लस 3 और डॉटर का होगा y प्लस 3. अब आगे पढ़िए, आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज, पर तो 3 times बोला तो यहां पे खाली 3 times लिखो. ओके, अब ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3, 3y प्लस 9, x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3, दैट इज x माइनस 3y इज इक्वल टू 6. इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2. ये आया, ये हमने सॉल्व किया एल्जेब्रिकली, राइट. अब ग्राफिकली करना है तो टेबल बनाना है. लेट्स मेक टेबल 1 by 1. सबसे पहले कौन सा टेबल बनाते हैं, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42. लेट्स स्टार्ट. सो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये दो इक्वेशन बन गए हैं, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 और x माइनस 3y इज इक्वल टू 6. ओके, अब इसका हमको ग्राफ बनाना है. सबसे पहले वाला इक्वेशन का x माइनस 7y का ले लेते हैं. इसे हम कैसे लेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7y. देखिए माइनस 7y को उस बाजू ले गया, ये है. अब ये आपका ग्राफ के लिए बना इक्वेशन. जो राइट साइड है उसमें आप इनपुट करेंगे, बरोबर, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, और जो लेफ्ट साइड है उसका आंसर आएगा, राइट. हम लोग टेबल इस बाजू बना के रखते हैं सो देट हमको इक्वेशन बनाने में, ग्राफ दौड़ने में इजी रहेगा, राइट. दैट इज फॉर एक्स माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42. और दूसरा एक टेबल है, दैट इज मिनिमम 4 ले लेते हैं, दैट इज x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 का. ओके, अब ये हो गया x और ये आपका y, ये हो गया x और ये y.
अब यहाँ पे देखिए y राइट साइड में है, तो आप ऐसे नंबर्स लीजिए सो देट छोटे हो जाए नंबर, राइट। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर y इज इक्वल टू 7, सबसे पहले y इज इक्वल टू 7 लेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -42 प्लस 7, 7 जा -42 प्लस 49 कितना आएगा सर, प्लस 7 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू प्लस 7 लिया तो y x इज इक्वल टू भी प्लस 7 आया, राइट। यहां पे देखिए ये भी 7 ये भी 7, ओके। अब x इज इक्वल टू फॉर ये 1 हुआ ये 2, y इज इक्वल टू 6 लेते हैं, ये -42 होगा तो ये +42 हो जाएगा, दैट इज x इक्वल टू -42 +42 इज इक्वल टू 0। चलो तो ये y इज इक्वल टू क्या लिया हमने, 6 लिया तो ये बन गया 0, डन। थर्ड वाला फॉर y इज इक्वल टू, अब क्या लेंगे हम लोग, 8 ले लेते हैं, राइट। तो ये हो गया 8 लिया मैंने, तो 8 लेंगे तो क्या होगा सर, 8 लेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -42 प्लस 56, राइट। ये काफी बड़ा हो जाएगा ना, तो एक काम करते हैं इसको छोटा बना देते हैं, राइट। तो 56 है ना, तो एक काम करते हैं 6 लिया 7 लिया तो 5 ले लेते हैं, ओके। तो 35 आएगा, ओके। y इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5 लेंगे तो ये बन जाएगा 35 और 42 क्या हो जाएगा, -7, राइट। तो ये y इज इक्वल टू जब मैं 5 लेता हूं तो ये इस बाजू माइनस की तरफ जा रहा है, ध्यान देना आप लोग, राइट। ये हो गया -7। अब y इज इक्वल टू ये लेंगे 4 नहीं 7 8 7 7 जा 49 तो ले लिया हम लोगों ने, तो ये लेते हैं हम लोग -5 लेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हमको ऐसे नंबर्स लेने हैं जो इजी हो जाए, ये तीन नंबर भी इनफ है, फिर भी एक ट्राई करते हैं, राइट। दैट इज सपोज 6 7 4, अगर 4 लेते हैं तो क्या होगा, x इज इक्वल टू -42 प्लस 28 दैट इज 2, राइट। 3 में से 2 गया तो 1, ओके चलो ठीक है, -12 तो 4 लिया तो -12 आया, ये x एक्सिस में आया, किस में आया, x एक्सिस में। ये हो गया हमारा पहला वाला कैलकुलेशन, राइट। अब यही चीज को सेकंड वाले कैलकुलेशन में ट्राई करते हैं। अब x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 है, 3y को उधर फेंक दो, 6 प्लस 3y, राइट। अब ऐसे ही करना है जैसे हमने इसमें किया था, y का वैल्यू डालना है, तो फॉर y इज इक्वल टू 0 लेते हैं पहले, तो x इज इक्वल टू 6 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 6, तो x मिला 6 जब आपने y इज इक्वल टू 0 लिया, राइट सर। अब x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -2 ले लो तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 -6 0 हो जाएगा ना, 3 2 जा 6 माइनस है तो ये हो गया 0, तो जब मैं -2 लूंगा तो ये बन जाएगा 0, ओके। अब y इज इक्वल टू +1 तो अगर बन जाता है तो x इज इक्वल टू 6 प्लस 3 1 दैट इज 9, ओके। तो ये अगर मैं y इज इक्वल टू 1 लेता हूं तो ये बन जाता है 9, राइट। अब y इज इक्वल टू -1 लेते हैं तो -1 होगा तो क्या हो जाएगा, -3 दैट इज x इज इक्वल टू 6 -3 दैट इज +3 हो जाएगा, राइट। अब ये देखो अभी इसका क्या करते हैं, +3 मतलब -1 अगर मैंने लिया तो ये बन गया +3, ओके। अब ये डेटा को हम ग्राफ में ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ओके लेट्स सी क्या होता है, ओके स्टूडेंट्स। देखिए मेरे पास ग्रीन बोर्ड है, कोई ग्राफ बुक नहीं है, तो आप ग्राफ बुक में ट्राई करोगे, आप यूनिट कैसे फाइंड करोगे ये बता देता हूं। एक्स एक्सिस में मैक्सिमम क्या है ये देखिए, माइनस एक्स साइड में -12 मैक्सिमम है और प्लस में 9 बड़ा है, तो आपको ये देखना है कि आपका 9 और 12 दोनों अंदर आ जाए, राइट। इस तरह का यूनिट फिक्स करना है। y एक्सिस में देखेंगे तो 7 है 9 और -2 तो 7 तो आ गया और ये माइनस नंबर तो आ गई है। अब कैसे करना है सर, आपको प्लॉट करते तो आता होगा, दिस इज 7 7, राइट, दिस इज 0 6, दिस इज -7 5 और दिस इज -12 4, राइट। पहला वाला 7 7, तो ये 7 यहां रखा और यहां 7 है तो यहां सामने 7 रख दिया, ओके चलो डन। फिर उसके बाद 0 6, तो यहां 0 रखा फिर ये हो गया 6, ओके डन। फिर उसके बाद
माइनस सेवन पे फाइव, अब ये हो गया माइनस सेवन और यह आ गया माइनस फाइव, दैट इज दिस माइनस सेवन पे ये फाइव, ओके राइट। आप क्या बनेगा माइनस ट्वेल्व पे फोर, चलो माइनस ट्वेल्व पे ये हो जाएगा फोर, मतलब ये जो लाइन है यूं जाने वाली है राइट, ये से राइट। अब दूसरा क्या है सिक्स जीरो जीरो टू माइनस टू नाइन वन और थ्री माइनस वन, ओके लेट्स सी। सिक्स जीरो, सिक्स जीरो मतलब क्या हो गया, यहां पे रखा ये जीरो हो गया और फिर जीरो माइनस टू, अब जीरो पे माइनस टू मतलब ये हो गया, ओके। अब दूसरा वन नाइन पे वन, नाइन पे वन मतलब ये आएगा यू, ओके। अब थ्री पे माइनस वन, थ्री पे माइनस वन क्या आएगा, थ्री पे माइनस वन दिस इज ये राइट, दिस इज द थिंग, आप देखिए ये वाला राइट, दिस इज द थिंग, आप एग्जैक्टली ये यहां आना चाहिए, तो दिस इज द थिंग, ओके। अब ये चीज जो है वैसे ही देखो, ये वाला यूं जाएगा, दिस इज द सम, ओके। तो ये इस तरह आपका सम मिलेगा, तो ये आपका इस तरह ग्राफ बनेगा, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है राइट, लेकिन इंटरसेक्ट अगर होता है तो क्या होगा, आगे जाके होगा राइट। इफ यू टेक बिग नंबर आपको इंटरसेक्शन जरूर मिलेगा, लेकिन दिस वे इट इज डन, ओके। तो जो नंबर से बनता है, जैसे बनता है आप बनाओ, ऐसा जरूरी नहीं आपको देखना है, ओके। लेट्स गो टू दी नेक्स्ट सम। सो ये जो है आपका, ये आपका आंसर रहेगा, दिस इज एल वन और दिस इज एल टू, ओके। आपको यहां पे बता देना है ये किससे बना है, x माइनस सेवन वाई इज इक्वल टू माइनस फोर्टी टू, और ये क्या बना है x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स, ये वाला इक्वेशन से राइट। तो दिस इज द वे, अगर आपको ऐसा है तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं x माइनस सेवन वाई प्लस फोर्टी टू इज इक्वल टू जीरो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, वो वाला फॉर्मेट, और यहाँ x प्लस थ्री वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, दिस इज द थिंग, ओके। अब ये L1 L2, लेकिन यूनिट लिखना जरूरी है, तो यूनिट कैसे लिखोगे, x एक्सिस कॉर्नर पे, यहाँ नहीं, यहाँ पे जो कॉर्नर होता है वहां पे लिखने का, x एक्सिस इज इक्वल टू वन यूनिट इज इक्वल टू, क्या लिया हम लोग ने, वन सेंटीमीटर राइट, तो वन सेंटीमीटर, फिर y एक्सिस वो भी वही लिया, वन यूनिट इज इक्वल टू वन सेंटीमीटर, दैट इज वन बॉक्स राइट, वन सेंटीमीटर किसको बोलते हैं हम लोग, वन बॉक्स को, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये मेरे पास स्केल नहीं है इसकी वजह से ऐसा दो रहा है। लेट्स गो टू दी नेक्स्ट सम, ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज सेकंड सम। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बायस थ्री बैट्स एंड सिक्स बॉल फॉर रुपीज 3900। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट इज क्या आएगा, एक्स ले लेते हैं, एक्स रुपीज, कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज वाई रुपीज, ओके। अब क्या हो जाएगा, थ्री बैट्स देयर फॉर थ्री एक्स प्लस सिक्स बॉल मतलब सिक्स वाई इज इक्वल टू 3900 राइट, ये हो गया। अब इसको अगर मैं थ्री से डिवाइड करूं, क्योंकि थ्री कॉमन निकलेगा, तो अगर थ्री से डिवाइड करूं तो दिस विल बिकम एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 1300, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर वन, ये हो गया एल्जेब्रिकली राइट। अब दूसरा देखते हैं, शी बायस वन मोर बॉल दैट इज वन बॉल एंड थ्री बैट, नहीं वन बैट एंड थ्री बॉल्स, ओके। तो क्या हो जाएगा सर, एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू कितने का है, 1300 रुपए मतलब 1300, दिस बिकम्स इजिली इक्वेशन नंबर टू, ये हमारा एल्जेब्रिकल मेथड है। अब हमको क्या करना है, ज्योमेट्रिकली प्रूव करना है। नाउ यहां पे x plus 2y is equal to 1300, तो therefore x is equal to क्या हो जाएगा, 1300 minus 2y right, और कुछ है नहीं, और यहां पे क्या हो जाएगा, x is equal to 1300 minus 3y done। अब ये हमको सॉल्व करना है, पहला वाला जैसे मैंने बताया टेबल बना लेते हैं, और दूसरे के लिए इसके लिए भी टेबल बना लेते हैं राइट, ये x ये y, ओके। पहला वाला इक्वेशन क्या है, x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 1300, और दूसरा वाला है x प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू 1300 बराबर है, ओके। अब देखिए यहां पे ऐसे नंबर्स लेने हैं जिससे आपको इजीली सॉल्व हो गए
राइट, तो 2 by 1300 है, तो क्या करेंगे हम लोग 100 के बेस पे लेते हैं, ओके तो 100 के बेस पे अगर हम लेते हैं तो y इज इक्वल टू फॉर 600, तो दैट इज x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1300 माइनस 1200 दैट इज 100, तो y मैंने 600 लिया तो ये बना 100, ओके अब y इज इक्वल टू 500 लेते हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1300 माइनस 1000 कितना मिलेगा 300, ओके तो ये मिल जाएगा 300, तो मतलब मैं अगर y 500 लेता हूं तो ये मिलेगा मुझे 300, राइट। अब वही चीज अगर मैं y इज इक्वल टू 200 लेता हूं, राइट, 300 हुआ 600 तो 400 लेते हैं, 400 लेंगे तो क्या होगा 1300 माइनस 800, राइट, तो ये हो जाएगा 500, तो यहां पे अगर मैं 400 लेता हूं तो ये बन जाएगा 500, ओके ये तीन इक्वेशन मैंने रखा अभी। अब वही चीज अभी यहां इसके लिए करते हैं, यहां पे भी वही है, तो पहले क्या करेंगे y इज इक्वल टू 600 लेते हैं तो x इक्वल टू 1300, लेकिन यहां उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस है, राइट, तो ये माइनस है तो यहां पे बड़ा हो जाएगा 3 × 6 कितना हो जाएगा 1800, दैट इज 1300 माइनस 1800 क्या हो जाएगा 5, उससे तो अच्छा हम क्या करते हैं पॉजिटिव में ही लेते हैं, तो चलो लेट अस सी y इज इक्वल टू 100 लेते हैं तो x इक्वल टू 1300 माइनस 100 मतलब क्या हो जाएगा 300 दैट इज 1000, ओके तो ये y इज इक्वल टू अगर मैं 100 लेता हूं तो ये बन जाएगा 1000, राइट, अब y इज इक्वल टू 200 लूंगा तो x इज इक्वल टू 1300 माइनस 600, तो 1300 में से 600 जाएगा तो 200 पे ये बनेगा 700, ओके राइट, और y इज इक्वल टू मैं अगर 300 लेता हूं तो 1300 माइनस 900 दैट इज 400, तो ये 300 आएगा तो ये उतर रहा है 400 पे, देखिए नीचे उतरते जा रहा है 300 300, तो ये इस तरह निकलेगा, राइट। अब इस डायग्राम को हम लोग ग्राफिकली ट्राई करते हैं, लेट्स सी, राइट, ये एक्स एक्सिस और ये एक्स माइनस, ये वाई और ये वाई माइनस। अब मैंने जैसे बताया पहले क्या करना है, एक्स पे देखना है 100, 300, 500, यहाँ पे देखिए 1000 दिया है सबसे बड़ा, तो 1000 मतलब हमको यहाँ से सपोज 100 से शुरू करते हैं, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और ये 1000 मिल गया बड़ा वाला, ओके। अब माइनस में कोई है ही नहीं, तो अब यहाँ पे माइनस में तो आप कुछ भी ले सकते हैं, माइनस 100, माइनस 200, माइनस 300, माइनस 400, माइनस 500 और माइनस 600, ये रख देते हैं। आपको पता चल गया कि x यूनिट पे क्या लिखने का, x एक्सिस पे x एक्सिस इज इक्वल टू 1 यूनिट इज इक्वल टू 100, ओके। नाउ दूसरा क्या है y एक्सिस, 600 500, 600 सबसे बड़ा, बस सबसे बड़ा 600, तो यहाँ पे देखिए 100, 200, 300, 400, 500 और ये 600 आ गया, राइट, यहाँ पे माइनस 100, माइनस 200, माइनस 300, माइनस 400, माइनस 500, माइनस 600। आपको इसके डेटा के साथ कोई कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप क्या नंबर लेते हैं, दूसरे क्या नंबर लेते हैं उस पर डिपेंड करता है, तो हमारा खाली स्ट्रेट लाइन से मतलब है, राइट। पहला वाला देखिए 100, 600, 300, 500 और 400, राइट, ये लिख देने का, यहाँ पे 1000 पे 100, 700 पे 200 और 400 पे 300। चलो पहला वाला देखते हैं, 100 पे 600 मतलब सीधा यहाँ, ओके ये वाला मार्क हो गया। दूसरा है 300 पे 500 आएगा 500 मतलब ये यहाँ, ओके। अब आएगा 500 पे 400, ये 500 और यह आएगा 400, ओके परफेक्ट, ये ग्राफिकली आएगा। अब यहां पे वही चीज अभी सेकंड इक्वेशन पे देखते हैं, 1000 पे 100, तो ये जो है 1000 है उस पे 100 मतलब यहां, ये सेकंड वाले के लिए। 700 पे 200, ये 700 आया तो ये आएगा 200 का आएगा सर यहां, ओके राइट,
फिर उसके बाद आएगा 400 पे 300, 400 पे आया हो तो यहाँ आ गया 300। अब देखिए आपको खाली आग बंद करके दौड़ना है, आपको जो है वो है, राइट, दिस इज द थिंग। ये हो गया, दिस इज इक्वेशन नंबर एक्स प्लस टू वाई माइनस 1300 इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर वन। अब दूसरा क्या आया था सर, दूसरा ये आया था, तो ये जो है ये ऐसा आएगा, दिस इज दिस राइट, ये आपका इक्वेशन, और इस तरह ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। आई होप यू अंडरस्टूड, ओके। बस आपको आपके स्केल के साथ यूज करना है, y एक्सिस इज इक्वल टू 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 लिख देना है, बस, ओके, अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट सब के लिए जाते हैं, ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3। द कॉस्ट ऑफ 2 केजी ऑफ एप्पल्स एंड 1 केजी ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160। After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is ₹300. So, represent the situation algebraically and geometrically. Okay? Let cost of 1 kg of apple is equal to x rupees. Okay? Cost of 1 kg of grapes is equal to y rupees. Right? Ab देखिए 2 केजी एप्पल से, तो 2 केजी एप्पल कितना होगा, इज इक्वल टू 2x, फिर 1 केजी ग्रेप इज इक्वल टू 1y, राइट, तो इसको क्या करेंगे, 2x प्लस y इज इक्वल टू कितना है 160, इक्वेशन नंबर 1। और इसे अगर ग्राफिकल के लिए करना है तो देखो y को u ले लो, 160 माइनस 2x, ये बार हमने किसको फॉर्मूला बनाया, ये बनाया y को बनाए सब्जेक्ट, ओके। अब यहां इसी तरह x को ले लेते हैं, यहां कितना है 4 kg ऑफ एप्पल, तो 4 kg ऑफ एप्पल्स इज इक्वल टू 4x, राइट, फिर उसके बाद कितने हैं 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज इक्वल टू कितना है 2y, तो 4x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना है 300। अब यहां पे देखिए 2 कॉमन निकल सकता है, तो लेट अस सी, 2x प्लस y इज इक्वल टू 150, 2 से डिवाइड कर दिया सब, तो वापस यहां हम बनाएंगे y इज इक्वल टू 150 माइनस 2x, ये हमारा इक्वेशन नंबर ग्राफ के लिए, राइट, दिस इज द थिंग। अब हम लोग इसी तरह वैल्यू डालेंगे और हम लोग दो टेबल बना देते हैं, चलो ये वाला टेबल तो तैयार ही है और दूसरा टेबल यहां पे, ओके, ये बन जाएगा x और ये y, x और ये y, पहला इक्वेशन है x 2x प्लस y इज इक्वल टू 160 और सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस y इज इक्वल टू 150। देखो दोनों में x और y दोनों सेम है, राइट, तो लेट्स सी क्या होता है, y इज इक्वल टू, अब यहां पे कुछ भी वैल्यू दीजिए आपके लिए फटाफट, राइट, x इक्वल टू कितना देंगे हम लोग, x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 20 देंगे तो y क्या आएगा, 160 माइनस 20 40 इज इक्वल टू 120, बराबर, तो जब मैं 20 लूंगा तो 120 आएगा, तो यहां पे मैंने x लिया है, x इज इक्वल टू 20 तो ये बन गया 120, ओके। अब x इक्वल टू मैं 40 लेता हूं तो y इज इक्वल टू 160, 2 फॉर द 80, दैट इज 80, तो ये बन जाएगा 80, तो मैं अगर ये 40 लूंगा तो ये बन जाएगा 80, ओके। अब यहां पे वापस देखिए, x इज इक्वल टू मैं लेता हूं 80, तो y इज इक्वल टू 160 माइनस 160 इज इक्वल टू 0, तो अगर मैंने 80 लिया तो ये बन जाएगा 0, राइट। अब वही चीज यहां पे भी ट्राई करते हैं, 2x प्लस यहाँ पे y है, अब यहां पे क्या करेंगे, x इज इक्वल टू क्या लेंगे हम लोग, पहले हम लोग 20 ले लेते हैं, जो यहाँ पे लिया वही ले लेते हैं, 150 माइनस 40 कितना आएगा सर, 110, ओके, x इज इक्वल टू 40
तो ये कितना आएगा इसमें, y इज इक्वल टू 150 माइनस 80 दैट इज 70, राइट ओके। अब x इज इक्वल टू यहाँ पे 80 लिया था, लेकिन यहाँ 80 लेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, उससे तो अच्छा क्या करने का, यहाँ हम 70 लेते हैं, तो y इज इक्वल टू 150 माइनस 140 दैट इज 10। तो यहाँ लिख देते हैं 20 40 70 ओके okay, तो ये क्या मिलेगा 110 70 और ये 10। ये हमारा टेबल भी तैयार हो गया। अब इस टेबल को हमको ग्राफिकली बताना है, लेट्स सी ओके। अब देखिए यहाँ पे 0 0 ले लेता हूँ पहले तो, राइट ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा x माइनस, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा y माइनस, राइट। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, पहले क्या करने का, रीड आउट कर देने का x एक्सिस को, 20 40 80 80 बड़ा है 70, तो 80 सबसे बड़ा है, तो मतलब 10 20 लेंगे तो आ जाएगा, राइट दिस इज 10 20 30 40 50 60 70 और ये 80 मिल गया आपका। इस बार जो आप कुछ भी बता सकते हैं, माइनस 10 माइनस 20 माइनस 30 माइनस 40 माइनस 50 और माइनस 60 इतना रहते हैं। अब इस बार जो क्या है, y पे 120 बड़ा है और 110, मतलब क्या करना पड़ेगा हमको, 20 के हिसाब से लेते हैं, ये हो गया 20 40 60 80 100 120 140। देखिए मैंने यहाँ पे 20 के हिसाब से क्यों लिया, हमारा नंबर बड़ा है 120 है, तो यू नीड टू शो दैट, तो दैट वाई ये मैंने इसको राइट यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 और यहाँ लिखने का 1 यूनिट इज इक्वल टू 20, राइट। तो दिस इज द थिंग ओके। अब आपको आता है, ये हो गया 20 120 40 80 और 80 पे 0, राइट सबसे पहले 80 पे 0, मतलब ये हो गया, ये 80 है तो ये 0 आ गया। दूसरा है 40 पे, यहाँ पे आ गया उस पर 80 आएगा, 40 पे 80 मतलब ये जो देखिए यहाँ पे बरोबर ये, दिस इज 40 पे 80। फिर दूसरा है 20 पे 120, यहाँ तो सीधा यहाँ पे 120, आई होप यू अंडरस्टूड राइट। तो दिस इज 20 पे 120, ये हो गया 40 पे 80 और ये हो गया 80 पे 0 ओके। इसको हम लोग क्रॉस करते हैं, पहले सेकंड वाले को देख लेते हैं, 20 पे 110, 20 पे 110 मतलब ये 100 और 110 के बीच में, राइट। फिर उसके बाद क्या है, 40 पे 70, 40 है तो 70 का आएगा बरोबर इससे थोड़ा सा नीचे, देखिए राइट। अब ये हो गया, अब दूसरा क्या है, 70 पे 10, 70 है तो ये हो जाएगा 10, मतलब कितना है, दिस इज द थिंग। अब आपने जरा ध्यान दिया, आपने ये देखिए 80 और ये है, ये लाइन यू जा रहा है, दिस इज द थिंग, और ये लाइन देखिए दोनों लाइन पैरेलल जा रहा है, दिस इज व्हाट वी वांट टू शो, ये पैरेलल लाइन से दे आर नॉट गोइंग टू मीट ईच अदर, राइट। दोनों का पैरेलल ही आता है देखिए 10-10 का डिफरेंस में, तो दिस विल गो दिस वे, तो दे आर पैरेलल लाइंस ओके। तो दिस वे वी हैव फिनिश्ड एक्सरसाइज 3.1। सो स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टूड, आई ट्राइड माई बेस्ट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑन दिस ग्रीन बोर्ड, बट यू नीड टू ड्रॉ इट विथ योर पेंसिल एंड स्केल, प्लीज रिमेंबर पेंसिल और स्केल का यूज कीजिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, कॉर्नर पे यूनिट्स लिखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, राइट साइड पे जो जगह है उस पर टेबल दोहरिए और फिर उसके बाद जो जगह है वहाँ पे एल्जेब्रिकली सम करके दिखाइए, देन ओनली यू विल गेट फुल मार्क्स ओके। बी क्लीन एंड नीट, तो आपका जो काम जितना क्लीन एंड नीट रहेगा आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो प्लीज़ फॉलो दिस पॉइंट्स, फॉलो दिस सजेशंस ओके एंड प्रैक्टिस इट, प्लीज प्रैक्टिस करना ये तीनों सम को, एल्जेब्रिकली पहले प्रूव करो फिर उसके बाद ग्राफिकली ट्राई करो ओके। और पेंसिल और स्केल प्लीज रिमेंबर, नो रफ वर्क, नो नोटबुक, ओनली ग्राफ पेज ओके। चलो तो बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो ओके, और वो बेल आइकन प्रेस करो सो दैट 3.2 का आपको नोटिफिकेशन मिले। Bye till that. Okay, bye.